कौशल भारत सशक्त भारत अभियान के तहत हमीरपुर के डिग्री कॉलेज परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 40 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों ने युवाओं के साक्षात्कार लेकर मौके पर ही रोजगार प्रदान किया। रोजगार मेले का शुभारंभ सांसद अनुराग ठाकुर ने किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की रैली में हुए झगड़ों पर कहा कि पहले राहुल गांधी का साथ कई राज्यों ने छोड़ा है, तो अब कांग्रेस की रैली में लात घूसों का चलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2019 की कहानी पहले ही दिखाई देती है, जहां पर कांग्रेस का साथ सहयोगी दल छोड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई दिखाई दी है कि कांग्रेस केवल मात्र सत्ता की लोभी है। जिस तरह से देश में राहुल जी चले थे, पहले उनके सहयोगी अलग अलग राज्यों में उनका साथ छोड़ गए, अब कांग्रेस पार्टी के अंदर घूसे और लात ये चलने शुरू हो गए। 2019 की कहानी पहले ही दिखाई देती है, जहां एक और कांग्रेस का सहयोगी साथ छोड़ गए, महागठबंधन पहले बनने से पहले टूट गया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ये दिखाती है कि ये सत्ता के लोभी हैं, ये जनता के हित में नहीं है। अनुराग ठाकुर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से 3,500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवा रोजगार मेले का लाभ उठा रहे हैं और घर द्वार पर रोजगार मिल रहा है। देश के 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा होल्डर्स, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इन सब के लिए 3,500 से ज्यादा नौकरियों का प्रावधान मेगा जॉब फेयर आज हमीरपुर में किया गया, और इसमें सैकड़ों विद्यार्थी रोजगार प्राप्त करने के लिए आए। 45 से ज़्यादा कंपनियों ने भाग लिया है, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। भविष्य में ऐसे और आयोजन भी किए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में भी रोज़गार मिल पाए। हमारी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में भी और मैंने प्राइवेट क्षेत्र में भी हज़ारों युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं युवा इसका फ़ायदा उठाएंगे और भविष्य में हम ऐसे और मेले लगाएंगे। मैं दोनों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 45 से ज़्यादा कंपनियों को यहां पर बुलाकर हज़ारों युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। जिसकी जैसी मानसिकता होगी वो वैसी बोलबानी रखेगा। दुर्भाग्य है हताश और निराश लोग इस तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं। चुनाव हर 5 साल में आते हैं, और हम तो 5 साल के प्रतिदिन प्रदेश और अपने संसदीय क्षेत्र के हित में काम करते हैं। चुनावों को लेकर कोई विशेष तैयारी नहीं, तो पहले की तरह जैसे रोज काम करते हैं वैसे आज भी कर रहे हैं। लोगों के लिए जैसे 5 साल पहले समर्पित थे वैसे आज भी समर्पित हैं। अंतर केवल इतना है, इन 5 वर्षों में एम्स आया, PGI अस्पताल और 2-2 मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIIT, तीनों जिलों के लिए रेलवे लाइन, और अब तो जो देहरा सब डिवीज़न बचता था उसके लिए भी अम्बेंदौरा से देहरा होते कांगड़ा के लिए रेलवे लाइन, उसकी घोषणा भी करवा दी। ये ऐसा पहले 5 वर्षों में कभी 5 या 50 वर्षों में नहीं हो पाया, लेकिन हमने मोदी जी से 5 वर्षों में करने का प्रयास किया है। ये लाभ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को मिला, आगे और मिलेगा। एक नया ट्रेनिंग सेंटर, जिसके लिए ज़मीन उत्तराखंड या हिमाचल में देखी जा रही थी, हमने प्रयास किए कि देहरा में उसके लिए 250 एकड़ के लगभग ज़मीन उपलब्ध करवा कर वहाँ पर एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, और इससे हज़ारों लोगों को लाभ मिलने वाला है। एक अर्थव्यवस्था में फ़र्क पड़ेगा। आप कुल मिलाकर देखिए, चंद महीनों के अंदर देहरा के लिए, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पूरी NOC आ गई, पूरे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स मिल गए, वहीं दूसरी और नई रेलवे लाइन की घोषणा हो गई, और अब कोबरा ट्रेनिंग सेंटर मिलने से देहरा के लिए कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अब आए हैं, और इससे हमारे पूरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को लाभ मिलने वाला है। रोजगार मेले में रोजगार पाने पहुंचे युवाओं ने बताया कि रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को रोजगार पाने के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त किया कि सांसद के प्रयासों से रोजगार पाने के लिए सुविधाएं मिल रही हैं।
मैं डिग्री कॉलेज में इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पे मैं मतलब अपना इंटरव्यू देना चाहती हूँ। यहाँ पे 40+ कंपनीज आई हुई हैं जो कि श्री अनुराग ठाकुर जी ने ऑर्गेनाइज करवाया यहाँ पे डिग्री कॉलेज में, एंड मैं अनुराग जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया है, एंड जो भी बेरोजगार युवा है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो यहाँ पे आके इंटरव्यू दें एंड अच्छी से अच्छी कंपनी में अपने जॉब पा सकें, अपनी अच्छी वो कर सकें। सर मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करी हुई है और मैं मतलब किसी भी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरव्यू देना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे जॉब फेयर के लिए आई हूँ। सबसे अच्छी बात है कि मैं अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो हम इस कॉलेज में जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मैं इसी कॉलेज से पढ़ी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई हैं। ये पहली बार हो रहा है कि हमारे कॉलेज में इतनी सारी कंपनीज एक साथ बच्चों को मौका दे रही हैं कि वो जॉब दें। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सांसद जी का, अनुराग ठाकुर जी का, जो हमें इन्होंने ये मौका प्रदान किया यहाँ पे जॉब ढूंढने का। इससे पहले हमें जॉब ढूंढने जाना पड़ता था बाहर सिटीज़ में, दिल्ली चंडीगढ़, जहाँ खर्चा भी ज़्यादा होता था और जॉब लगना नहीं लगना कोई इसका पक्का पता नहीं होता था। तो एक सिटी ग्रुप जिन्होंने ये जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करवाया हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी की बदौलत, तो इसके लिए मैं इनका बहुत थैंकफुल हूँ और होप करता हूँ कि यहाँ से मैं आज कोई अच्छी जॉब लेकर ही जाऊँ।